And all my dear children, today's topic long answer type questions. Question first, describe the life of rag pickers in Simhapuri. सीमापुरी में कचरा बिनने वालों के जीवन का वर्णन करिए. चलिए बच्चों, सीमापुरी में कचरा बिनने वालों के जीवन का वर्णन करते हैं. आंसर, सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर्स. सीमापुरी में 10,000 से अधिक कूड़ा बिनने वाली बस्ती है. इट इज अ प्लेस ऑन द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली. यह दिल्ली की उपनगर पर एक जगह है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh in 1970. जो यहाँ रहते हैं बच्चों, वो अतिक्रमणकारी हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आया था. Rag pickers lives in structure of mud. कचरा बिनने वाला रहता था बच्चों मिट्टी के घर में. दे हैव रूप्स ऑफ टीन एंड ट्रीपोलिन. दे हैव रूप्स ऑफ टीन एंड ट्रीपोलिन. उनके पास टीन और तिरपाल की छतें हैं. देयर इज नो स्वेज ड्रेंज और रनिंग वाटर. कोई स्वेज जल निकासी या बहता पानी नहीं है. दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट्स. वे यहाँ बच्चों बिना आइडेंटिटी और परमिट के रहते हैं. फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी. खाना उनके लिए उनकी पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है. Children grow up to become partners in survival. बच्चे बड़े होकर बन जाते हैं अस्तित्व में भागीदार. बच्चों, जो रैग पिकर्स के बच्चे होते हैं वो भी उसी तरह अपने मम्मी पापा के तरह सर्वाइव करते करते उनकी भी हैबिट हो जाती है उसी तरह जीवन जीने की. वो भी उसी अस्तित्व में घुल मिल जाते हैं. An army of barefoot children appear in the morning with their plastic bags on their shoulders. नंगे पाँव बच्चों की army of barefoot children appear in the morning with their plastic bags.